भड़का रहना कुछ करा, और जो पटवारी फर्जी वर्दी हुई है उसके खिलाफ धरना दे रहे थे यहाँ पे शांतिपूर्ण, लेकिन जबरदस्ती हम पे लाठीचार्ज किया गया। टॉप 10 में आया है, मेरी बात सुनो जो सर, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश के युवा पटवारी भर्ती पर्ची जो फर्जी प्रक्रिया हुई थी उससे जो लिस्ट आई है उसके खिलाफ हम यहाँ पे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमें जबरदस्ती तथा प्रदर किया गया है, तो हम कहाँ जाएंगे? शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे सर। मेरा अनुराग बोलना चाहते हैं, जो टॉपर टॉप 10 में आया है, जो जिसको ये नहीं पता है कि अपने मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, वो टॉप 10 में कैसे आ सकता है? ये तो एक सामान्य सा प्रश्न हो गया। हर किसी बच्चे को पता रहता है कि अपने मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, वो उसने दिल्ली बताया, ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ है तो उसने बताया, गुजरात बताया, और नर्मदा नदी कहाँ से निकली है, इतना सामान्य सा क्वेश्चन उसने भोपाल से बता दिया। अब सर मध्य प्रदेश के युवाओं को बताओ, आप बताओ 184-185 टॉप 10 में कैसे आ सकता है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो मीडिया वाले जो भाई लोग हैं, आपके भी आपके भाई बच्चे नहीं है क्या? पुलिस वाले जो, मेरा नाम राहुल नरगेस है, कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, गिरफ्तारी भी की गई है, क्या मामला था? पटवारी भर्ती को लेकर इन लोग का आक्रोश था, और ये पीएसजीएडी को अपना ज्ञापन देने जाने की योजना थी, और करीब 200-300 लोग इकट्ठे करके लोग आए थे, इनके पास कोई परमिशन नहीं थी, और उन्हें जब आगे बढ़ने से रोका तो पहले तो ये बात हुआ था कि प्रतिनिधिमंडल से हम मिलवा देंगे, बट वो पूरा का पूरा 300 आदमी लेकर जाने का उनका प्लान, बिना अनुमति के कोई भी धरना प्रदर्शन जायज नहीं है, उनको चेतावनी दी गई, उसके बावजूद वो लोग आगे बढ़ रहे थे, इसलिए एहतियातन उनको हिरासत में लिया गया कुछ लोगों।